हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों आज मैं आपको लाइव LUT अप्लाई करना सिखाऊंगा। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। जब भी हमें एक्सपोर्ट करना होता है, नील रेटेड का केस होता है कि विदाउट टैक्स आप जब भी एक्सपोर्ट करेंगे, अब चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो उस केस में हमें LUT की रिक्वायरमेंट होती है। तो LUT को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है GST पोर्टल पे, ये सारी चीजें हम लाइव करके देखने वाले हैं। क्या वहाँ किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से अप्लाई किया जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो से बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको स्टेप समझ में आने वाले हैं। तो चलिए बताता हूं आपको कि इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद आप सर्विस में आएंगे, सर्विस में आने के बाद यूजर सर्विस में जाएंगे और यहां पे आपको एक ये ऑप्शन दिखेगा, फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका डिटेल है वो ऑटो फिल होकर आ जाएगा। आपको यहां पे ज्यादा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे ऑटो फिल होकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ज्यादा नहीं दिया रखा, दो दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप LUT अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास पुराना LUT है तो आप उसको अपलोड कर देंगे, और अगर अपलोड करेंगे तो आपको खासतौर से ध्यान रखना होगा कि या तो PDF फाइल में हो या फिर JPG में हो, और जो उसका साइज है वो मैक्सिमम 2 MB तक हो। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे। इसके बाद यहाँ पे जाना है और आपको ये सारी चीजें, ये तीनों चीज क्लिक करके टिक कर देना है। दो नॉमिनी आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, कोई भी दो नॉमिनी। तो यहाँ पे चलिए मैं दो नॉमिनी फटाफट मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल जो फिल करनी थी वो फिल कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे साहब, आपकी डिटेल ऑटो फिल होकर आएगी। आपको इन तीनों पे क्लिक कर देना है, दो नॉमिनी के डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो रेड है वो कंपलसरी है, ऑक्यूपेशन डालने की जरूरत नहीं है आप जो देख रहे हैं। फिर ये सारी डिटेल जब आप फिल कर देंगे तो यहाँ से आपको अपना प्लेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस प्लेस से आप ये अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और आप चाहें तो DSC के थ्रू इसे अप्लाई करें या फिर EBC के थ्रू करें। तो मैं पहले इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद आपको फिर से ड्रैग करके नीचे आना है, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे या चाहे तो आप प्रीव्यू एक बार देख सकते हैं। तो मैं साइन इन फाइल विद EBC पे क्लिक कर देता हूँ, एक ये रह गया था, इसको मैं फिल कर देता हूँ। इसके बाद साइन एंड फाइल EBC पे मैं क्लिक करता हूं और प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना और वेरीफाई कर देना है।
के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ एलयूटी विल बी ट्रांसमिट टू द कंसर्न टैक्स अथॉरिटी ऑनलाइन, ठीक है, सारा ऑनलाइन होगा जो कुछ भी होगा, और जो इसका एक्नॉलेजमेंट है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रैक करना होगा, पहले मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ जो इसका एरर नंबर है। इसके बाद अगर आप ये ट्रैक करना चाहें तो जैसे कि आपका ये एरर नंबर है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, एक बार सर्विस पे जाना होगा, फिर से यूजर सर्विस पे जाना होगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यू माई सबमिट एलयूटी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करिए, यहां से सिलेक्ट कर लीजिए पहले तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और सर्च पे आप क्लिक कर दीजिए। एक सेकंड के, मैंने नए पे क्लिक कर दिया, यहां से फिर से हम एलयूटी सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च पे मैं क्लिक कर देता हूं। डेट पूछ रहा है तो आज की डेट हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि आज ही मैंने अप्लाई किया है तो मैं आज का ही डेट सिलेक्ट कर लूंगा। सर्च पे क्लिक करा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे सबमिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा मेरा एआरए नंबर, ठीक है, और ये फॉर्म नंबर है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जो एलयूटी अप्लाई करने का तरीका होता है बहुत ही आसान है, बेमतलब इसको मुश्किल कहा जाता है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे इसका सर्टिफिकेट आएगा आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पता चल गई हो कि न्यू एलयूटी किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के मेंबर नहीं बने तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम से, ताकि आपको न्यू अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।